तो दोस्तों देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में छापा गया आर्टिकल है, गेस्ट टीचर को नियमित होने का हक नहीं। तो यहाँ पर जो गेस्ट टीचर होंगे वो यहाँ पर परमानेंट नहीं हो सकते हैं, जो है अस्थायी वहाँ पर रूप में जो है कार्य करेंगे उनको कभी भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर 4910 चयनित गेस्ट शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। जो पूर्व में जो 4910 यहाँ पर गेस्ट टीचर थे उनको यहाँ पर तैनाती मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में LT और प्रवक्ता के रिक्त पदों के लिए चयनित 4910 अभ्यर्थियों को स्कूलों में तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 4000 जो है यहाँ पर जो शिक्षक है उनको यहाँ पर मिलने वाली है तैनाती। इसमें 4000 से अधिक LT के पद हैं, 4000 से ज़्यादा जो LT के पद हैं ऐसा यहाँ लिखा गया है। और माध्यमिक शिक्षा निर्देश R.K. कुंवर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सोमवार की प्रति सरकार को भेजी जा चुकी है। लेक्चरर सीधी भर्ती के 507 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि 2000 LT से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। तो देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 4000 से अधिक चयनित अति शिक्षकों को नियमित नियुक्ति होने तक तैनाती को हरी झंडी दे दी है, मगर साफ कर दिया है कि अति शिक्षकों को नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, इनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर ही अस्थायी व्यवस्था के तहत जो है यहाँ पे की जाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इनका जो है नियमित नहीं रखा जाएगा इनको, ऐसा लिखा गया है। और जो पूर्व में अभ्यर्थी को यहाँ पे मौका मिला था उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलने वाला है फिर से। आप लोग देख सकते हैं आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट है। तो अब जो है इस तरीके से भर्ती यहाँ पर होनी है अतिथि शिक्षक की। तो लेटेस्ट न्यू अपडेट है आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।